दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम एक नए कार्यक्रम के साथ आए हैं। अमेजन के जंगलों में जब आग लगती है तो पूरे दुनिया के लिए वो मुद्दा बन जाता है। पश्चिम से लेके पूरब से लेके पूरे दुनिया में मीडिया की खबरें बनती हैं, जगह जगह पेपर में छपता है, मूल्यांकन होता है। लेकिन इसी उत्तराखंड के अंदर इस समय आग लगी हुई है। आग कोई एक जगह, दो जगह, दस जगह नहीं, बताया जा रहा है कि 150 जगह लगी हुई है। पूरा उत्तराखंड का जंगल जल रहा है, लेकिन कहीं मीडिया में सुर्खियां नहीं बन रहा है। कहीं कुछ खबरें भले छप जा रही हो, फुटनोट के तौर पर आ जा रही हो, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। बताया जा रहा है कि जो डैशबोर्ड है वन विभाग का, उसमें अभी 20 अप्रैल को कहा गया कि 120 जगहों पर पूरे देश के अंदर आग लगी हुई थी और उसमें 107 जगह उत्तराखंड की थी। तो माना जा रहा है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है आग इस समय उत्तराखंड के जंगलों में लग रही है। इस तरह से 5 सूबों का नाम लिया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड, इसके अलावा एक प्रदेश है, दूसरा है, उसमें सबसे ज्यादा आग कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में लगती है। अब इसकी क्या वजहें हैं, आग कैसे लगती है, आग का अपना गति विज्ञान क्या है और उसके चलते जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ा मसला इस देश के अंदर बना हुआ है। अब जानते हैं, आग केवल पेड़ों को नहीं जलाती है, पूरी पारिस्थितिकी को जो है नष्ट कर देती है। आसपास जो वनस्पतियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर जितनी जहरीली गैसें हैं वहां से पैदा होती हैं और देश के स्वास्थ्य के लिए जो देश की जनता है, हमारा आपका जो स्वास्थ्य है, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। एक खास मसला है, इसके विभिन्न पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कोई सिर्फ आग पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती, पेड़ नहीं जलाती है, पूरे जीवन को कहिए तो जो मानव जीवन है, जो जीव जंतु हैं या पूरी पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, कई पहलुओं से जो उसको नुकसान पहुंचाती है। इसके सारे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, क्यों संजोग से इस समय मेरे पास जो है गेस्ट हैं कई जो इसमें मौजूद हैं, लिहाजा हम उस पर बात कर सकते हैं। तो अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। विशाल जी हैं, ये डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च के, ये देहरादून में रहते हैं। तो दोस्तों हम बातचीत की शुरुआत करते हैं विशाल जी से, और इस फील्ड के गहरे जानकार हैं, कई पर्चे लिख चुके हैं और इस पर उनका गहरा अध्ययन है। तो सबसे पहले विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आग जो है किस रूप में देखा जाए, इसका गति विज्ञान क्या है? मतलब आग लगती है, हम लोग पहले जब जानते थे जंगल में आग लग रही तो मानते कुछ लोग लगा दिए होंगे, कोई धूर्तता होगी, लेकिन कहा जा रहा है अपने से भी आग लगती है। ये पूरे इस गति विज्ञान को अगर हम समझना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे विशाल जी? देखिए, अभी भी जो आग उत्तराखंड के जंगलों में या और पूरे भारतवर्ष में जो आग का सिलसिला इस बार जारी हुआ है, या पहले से भी पिछले 20 साल का भी आप अगर आंकड़े ले तो 99% जो जंगल में आग लगती है वो अभी भी लोगों के द्वारा ही लगाई जाती है। अगर हाँ, ये जरूर हुआ है कि क्लाइमेट चेंज और अभी जो आपके IPCC की नई रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि अब फायर सीजन, जिसे हम मानते थे कि 15 फरवरी से लेके 15 जून तक चलता है, उसका पीरियड बढ़ जाएगा। और जो ड्रायर कंडीशन है, जो हमारे यहाँ सूखे की कंडीशन है, क्योंकि विंटर रेनफॉल डिक्लाइन कर रही है, तो जो नमी है वो जंगलों में कम है, तो आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी तक ये मतलब एक आध ऐसे वाकया जरूर हुआ होगा जहां पे अपने खुद से फायर लग जंगल में आग लगी हो, लेकिन 99% जो फायर है वो अभी भी इंसान ही लगा रहा है, और इसके जो कारण हैं उन पे चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को बहुत हाई कर सकते हैं लेकिन जो रीजन है, जब तक आप उसे एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये जंगल जलते ही रहेंगे।
और शायद और ज्यादा जलेंगे आगे। अनूप नौटियाल जी, अब आपके पास आते हैं क्योंकि संक्षेप में पहले राउंड में मैं सबसे एक टिप्पणी चाहूंगा। ये जो बात कर रहे हैं विशाल जी की 99% जो है आग लगाई जाती है, तो ये क्या सच है? कौन लोग हैं जो ये आग लगाते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है? और इसके साथ ही जो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक तौर पर भी आग लगती, बताते घर्षण होता है पेड़ों के बीच, उसमें आग पैदा हो जाती है, ये पहली बात। तो विशाल जी जो बात कह रहे हैं वो कितना सच है, उसमें मतलब उसका जो असली पक्ष है, जो कारण है वो क्या है जो आग लगाने वाले लोग हैं, और दूसरा जो है इसको और कैसे चीजों को रोका जा सकता है, उस पर आप बात करिए। महेंद्र जी आपने धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगा, जयसिंह सर हमसे सभी चीजों में बड़े हैं, एज में तमाम चीजों में, पहले सर बोलेंगे, मैं फिर बाद में बोल दूंगा। सर प्लीज इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि प्रारंभिक है ना, थोड़ा हम सीनियरिटी को फॉलो कर लेते हैं महेंद्र जी। बिल्कुल जय सिंह राव साहब, आपने एक जनचौक के अंदर ही एक पर्चा, एक अपना जो है एक लेख लिखा था, और मैं बताऊं बहुत जानकारियां मुझे वहीं से मिली थी, जिसके आधार पर कुछ मैं आज बातें रख रहा हूं, और मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से आप चीजों को देख समझ रहे हैं उत्तराखंड में रहते हुए। अभी जो आग लगी, इस दौर में जो आग लगी है, आपने खुद बताया कि उसमें करीब 150 जगहों पे आग लगी हुई है उत्तराखंड के अंदर, ये जो बात है कौन कैसे आग लग रही है, कौन लोग हैं, अगर कुछ लगाया भी जा रहा बाहर से तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। हाँ महेंद्र, मैं तो चाह रहा था कि अनूप नौटियाल साहब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जो भी आपदा आती है, चाहे कोरोना हो सारा डाटा संकलित यही करते हैं, और हम अक्सर इन्हीं से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलिए, इन्होंने मेरे को दिया, ये इनका बड़प्पन है। तो मैं चाहूंगा आज का, मैं डैशबोर्ड का आज का है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट वो है, उसका डाटा से अपडेट कराना, हो सकता है अनूप नौटियाल साहब के पास हो, जो भारत सरकार का है, क्योंकि वो सैटेलाइट से जो इवेजरी आती है वो हर स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए आपके यहाँ आज किन किन जगहों पर लार्ज जो फायर, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट है, कहाँ कहाँ पर है, वो इन्फॉर्मेशन वहां से मिलती है। तो आप उसका था इनका फॉरेस्ट सर्वे का, तो वो उनका मानना है कि आज कुल 227 आज की तारीख में 29 तारीख को 227 इंसिडेंट हैं, बड़े छुटर पुटर नहीं वो है, और उनमें अकेले उत्तराखंड में है 52, आप समझ सकते हैं, एंड अदर देन उत्तराखंड, और क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हिमालय ना, हिमालय पे हम ही डिस्कशन आज करेंगे, और बाकी हिमालयन स्टेट्स में 52 है, 52 बाकी हैं, जैसे मणिपुर में है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वो सारे हैं, क्योंकि असली चक्कर तो आज हिमालय का है। हिमालय आप जानते हैं, हिमालय पर एक महासागर के बराबर पानी है बर्फ के रूप में, और हिमालय अगर ऐसा झुलसेगा, हिमालय को कहते हैं ये एशिया का वाटर टावर भी है और जलवायु नियंत्रक भी है, ठंड गर्म इसका कंट्रोल भी हिमालय करता है, अगर हिमालय ही झुलसेगा, ये रिसीट करेंगे हमारे जो ग्लेशियर्स रिसीट करेंगे, वैसे भी करेंगे, तो क्या स्थिति होगी? और जो फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर की वजह से एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा जो कार्बन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से भी हमारी, ये कहेंगे आपके इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट है वो ज्यादा एलेबोरेट करेंगे, उससे भी हमारे ग्लेशियर्स पे असर पड़ रहा है। देहरादून है, मसूरी जैसे जगहों पर नॉर्मल से ज्यादा 4 डिग्री हो, जो नॉर्मल डिग्री आजकल मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो बढ़ चुका है इन जगहों पर। जब मुक्तेश्वर में तक, मुक्तेश्वर तो बिल्कुल ठंडा इलाका है, वहां का भी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वो टेम्परेचर, ये आंच हमारी जा रही है सीधा ग्लेशियर्स तक जा रही है, जो रिसीट कर रहे हैं, अब ग्लेशियर रिसीट करेंगे, जो हमारी स्नो लाइन है ऊपर चली जाएगी, पिछड़ती जाएगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या ये जो एशिया का जो जलवायु नियंत्रक है, जो एशिया का वाटर टावर है, उसकी क्या स्थिति होगी, भारत की क्या स्थिति होगी, एशिया की क्या होगी। लेकिन अब उत्तराखंड पर आऊं मैं, उत्तराखंड का आप भी आज का डैशबोर्ड में बताता हूं आपको। उत्तराखंड कहते हैं कि अब तक कुल हुई 1736 घटनाएं, और इनका है 2824 जो हेक्टेयर का फॉरेस्ट क्या ये है वो
और नोट करने वाली बात है 25.28 हेक्टेयर प्लांटेशन जला, टू बी नोटेड 25 जला, वृक्ष के जलने की भी है, नुकसान की भी जलने की है, 6 लोगों के घायल होने की भी, 1 के मरने की भी है, लेकिन उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि 1 भी शून्य, कितने वन्य जीव मरे, वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान हुआ, उस कॉलम में 0 लिखा गया है। कैन यू इमेज, मतलब जंगल की आग में सारा जीवन स्वाहा हो गया। आपके 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 जो कहते वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स मैमल्स, आपके उसके एम्फीबियंस क्रीपर्स और सब खत्म हो गए हैं। जो जहां 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 आ गई वहां जीवन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जितने टेंडर जो आपके जो रेयर प्लांट है, लगभग 161 प्लांट है उत्तराखंड में, रेयर है रेयर, जो वो मतलब वो खत्म हो गए, जल गए। और उत्तराखंड का डिपार्टमेंट कहता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि कोई नुकसान, केवल पेड़ जले हैं और वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जो संसार होता है, आप जानते हैं फ्लोरा अनफोना एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कई स्पेसीज ऐसी होती हैं कि भाई अगर अगर फोना नहीं होगा तो ये सीड का जो डिस्पर्सल होता है, जो पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल होता है, वो रिजनरेशन कैसे होगा, उसको कैसे आगे फैलाएंगे। और अगर इंसान नहीं होगा तो उनको कार्बन कैसे मिलेगा, वेजिटेशन को तो कार्बन चाहिए होता है, कार्बन चाहिए होगा, हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। एक दूसरे पर कम से कम 18 स्पेसीज होती हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होती है। वो फूड चेन अगर कट गया, टूट गया, जैसे इन जंगलों का कट गया, तो आप समझिए कितना बड़ा डिजास्टर है। क्योंकि वो जंगली जानवर हमको वोट देने नहीं आते, वोट देने वालों की चिंता है आपको, आपको हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो हिंदुत्व के खतरे की है, लेकिन जंगल में जो खतरा है, हमारे वाइल्ड लाइफ को जो खतरा हो गया, हमारे इन्वायरमेंट को जो खतरा हो गया, हमारे हिमालय को जो खतरा हो गया, उसकी किसी को चिंता नहीं है। जो हॉफ है, यहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उनको मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मैं छुट्टी पर हूं, विनोद कुमार है ना, दूसरे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उनसे कहो तो कहा कि हम बंबई में हैं, हमको अब तो आगे हो या हम वहीं से नजर रख रहे हैं, जंगल पर नजर रख रहे हैं, मतलब। और ऊपर से कहते कोई नहीं मरा, एक जीव एक चींटी तक नहीं मरी। तो अब आप समझ सकते हैं कितने संवेदनशील हमारे राजनेता है, कितना संवेदनशील हमारी ब्यूरोक्रेसी है और कितने संवेदनशील हम हैं। हमको चिंता नहीं है, कल जहां जो जंगल जल रहे हैं वहां जो बायोमास है जो जल जाएगा, बारिश आएगी तो सीधा एक तो मिट्टी खराब होगी जहां रिजनरेशन होना है, दूसरी बात वो जो आएगा ऊपर से पानी बरसता है वो सीधा बह के आएगा, उसके तहत फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, सारी चीजें होंगी। ये बहुत सारे खतरे हैं। हम कितने संवेदनशील, हमारी सरकार है, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, और कितने संवेदनशील हम हैं, ये भी समस्या है। बिल्कुल, अभी आएंगे उस सवाल पर क्योंकि उस पर और विस्तार से बातचीत करनी है। अनूप जी, बहुत विस्तार से जयसिंह रावत जी ने रखा है, ये जो इशारा किया इन्होंने कि जो नुकसान का मसला है, जब कहीं आग लगती है तो सिर्फ पेड़ का नुकसान नहीं होता है, पूरी पारिस्थितिकी का नुकसान होता है, जीव जंतु मरते हैं, इसके अलावा गैस, जहरीली गैस पैदा होती है, ये जो नुकसान है वो दिखता नहीं लोगों को सीधे तौर पर। अगर आपसे हम जानना चाहें किस तरह से नुकसान का आकलन किया जा सकता है और किस तरह से दिखाया जा सकता है, उसके बारे में आपका क्या अध्ययन है? महेंद्र जी, देखिए इसके तो हमको पता ही है, इतने सारे घर उसके पहलू हैं, बहुत सारे हैं। मैं एक थोड़ी नई बात बोलना चाहूंगा इसमें, और ये पिछले साल भी हमने बात उठाई थी। मेरे को लगता है कि जो वैसे तो, क्योंकि जयसिंह सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, जो आपने एक सेंसिटिविटी को लेके बात बोली, संवेदनशीलता को लेके बात बोली, और मैं विशेष तौर पर जयसिंह सर के साथ में इस बात को साझा करूंगा, और ऑफकोर्स जो बाकी लोग सुन रहे हैं, कि कल मैं असल में सर एक प्रोग्राम में था, अमर उजाला का एक प्रोग्राम था, तो उसमें आदरणीय चंडी प्रसाद, नहीं नहीं थैंक यू सर,
उसमें चंडी प्रसाद भट्ट साहब आमंत्रित थे, उनकी 88 वर्ष की उनकी आयु है सर। उन्होंने जो पहली बात बोली मंच पर आकर के, उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द का आपने प्रयोग किया, और वो शब्द है संवेदनशीलता। उन्होंने अपना व्याख्यान इस संवेदनशीलता के शब्द के साथ में और उस भाव के साथ में शुरू किया, क्योंकि अगर संवेदना ही मर जाएंगी तो फिर एक्चुअली क्या रह गया, फिर बच क्या गया, फिर तो भाई कुछ मुट्ठी भर लोग रह गए जो कि इन चीजों के ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में, ये जो पूरा संवेदना का और जो पूरा सेंसिटिविटी का इश्यू है, इन किस्म के मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है कि हमें शायद इन चीजों के ऊपर भी चर्चा जारी रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके के साथ में हम संवाद में इस संवेदनशीलता के पहलू को बढ़ा सके। क्योंकि अभी अप्रैल और मार्च के और मई के महीने में फॉरेस्ट फायर है, जून जुलाई में कुछ और होगा, अगस्त सितंबर में कुछ और होगा, ये तो महेंद्र जी अब 12 मासी है, 12 महीने कुछ ना कुछ डिजास्टर और आपदा उत्तराखंड में है। खैर, इस बात से मैं शुरू करना चाहता था, और मैं आपके सवाल पर अगर आऊं, मैं एक नया पहलू ये जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, इतने हेक्टेयर में आग लग गई, इतने हेक्टेयर में आग लग गई। मैं थोड़ा सा आज हेक्टेयर के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, जो मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव मुझे लगता है कि शायद आम जनमानस, जब हम कहते हैं कि 70 हेक्टेयर में आग लग गई, 700 हेक्टेयर में आग लग गई, अभी सर ने बोला 2000, मैं नोट भी कर रहा था जो सर ने बोला कि भाई 2824 हेक्टेयर में आग लग गई। अब ये 2824 हेक्टेयर कितना बड़ा है, तो शायद हम इस किस्म के कार्यक्रमों से लोगों तक कोई समझाने का भी प्रयास करें कि एक हेक्टेयर कितना ज्यादा होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, पहली बात। अब आप कहेंगे भैया 10,000 स्क्वायर मीटर कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर जो होता है वो 12,000 गज होता है। अब आप कहेंगे भाई 12,000 गज कितना होता है, तो हमारे उत्तराखंड में, मैं अगर एटलीस्ट कम से कम मैं ये देहरादून जैसे टाइप के शहरी इलाकों की बात करूं, यहाँ की सामान्य भाषा में बीघा, यहाँ पे बीघा चलता है, भाई कितना बीघा, तुम्हारा मकान कितने बीघे का है, तुम्हारा खेत कितने बीघे है, तो बीघा यहाँ पर लोग आसानी से समझते हैं। 12,000 गज जो है मोटा मोटा 15 बीघे है, यानी मैं उसको अगर बोलूं तो एक हेक्टेयर जो है वो 15 बीघा हो गया। दूसरी बात महेंद्र जी, 100 हेक्टेयर जो होता है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर तो हम सब समझते हैं, 1 किलोमीटर अगर हम यूं जाएं, और अगर हम 1 किलोमीटर यूं जाएं तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये 100 हेक्टेयर हो गया। इस परिपेक्ष को समझने के लिए कि पिछले 20, 21, 22 वर्षों में उत्तराखंड के जंगलों में कितनी आग लगी है, उत्तराखंड के समग्र दृष्टिकोण से हम देखें, 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा उत्तराखंड का जंगल पिछले 20, 21 वर्षों में जला है। और ये त्रिलोचन जी ने इस पे स्टोरीज भी करी हैं, हमने उनका डेटा भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि हर वर्ष बराबर आग लगती है, किसी वर्ष में ज्यादा लग जाती है, किसी वर्ष में कम लग जाती है, इसका भी एक पैटर्न है। लेकिन पिछले 20-21 वर्षों में 50,000 हेक्टेयर आग लग गई। अब 50,000 हेक्टेयर कितना हुआ, यानी 500 स्क्वायर किलोमीटर। अब 500 स्क्वायर किलोमीटर कितना हुआ, जितना बड़ा देहरादून का शहर है, पूरा देहरादून शहर, तो देहरादून शहर बहुत बड़ा हो गया, लगभग 3 देहरादून शहर जो है पिछले 20 सालों में जल चुके हैं। तो ये एक हमारी तरह से एक छोटा सा प्रयास है कि ताकि लोग उसकी गहराई को समझ सकें कि बॉस ये जो जंगल हमारे जल रहे हैं, और देखिए आंकड़ों में हम उन आंकड़ों में उस पीड़ा को हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्यों, हमारे पास कुछ और है नहीं, हमारे पास तो भाई डेटा ही है भाई, जो ठीक है जो सरकार देगी, वन विभाग देगा, हम उस डेटा को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रयास इस बात का लोगों को चेतना लाने का है कि ये जो डैमेज हो रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा डैमेज है। दुर्भाग्यवश, जैसा हम सब जानते हैं अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर, कि जो पहली बार हम लोगों ने अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी, देहरादून की बात, उत्तराखंड की बात ही नहीं, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो ये जो हीट वेव्स आ रही हैं, ये जो सारी जो चीजें आ रही हैं, जिसका सर ने जिक्र किया, जिसका विशाल ने जिक्र किया, और ये भी हम सबको पता है कि सारी चीजें ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। मेरा अपना ये मानना है, मैं उस फिर वहां पर अपनी मैं बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि अगले चरण में हम उसको कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा महेंद्र जी, आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस बात की पैरवी करना चाहूंगा
कि उत्तराखंड को अब एक एनुअल कैलेंडर बनाना चाहिए। 12 महीने होते हैं, हर महीने में 4 या 5 हफ्ते होते हैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। हमारे को 52 हफ्ते का एक एनुअल डिजास्टर कैलेंडर ऑफ उत्तराखंड बनाना चाहिए। उसमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में हमारी वर्किंग होनी चाहिए। जंगलों की आग, सबको पता है जंगलों की आग कब लगती है। जब जंगलों की आग अप्रैल के महीने में लग रही है, हमें अप्रैल के महीने में बैठ करके समीक्षा बैठकें असल में अपनी अक्टूबर नवंबर में करनी है। हमें अपनी समीक्षा बैठकें पिछले साल जुलाई में शुरू कर देनी चाहिए थी। तो ये जो पूरी जो लेथार्जी है, ये जो पूरा जो लेथार्जी है, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं है, उसके प्रति कोई ऊर्जा नहीं है, उसके प्रति कहीं कोई पीड़ा नहीं है, उसके प्रति कहीं कोई प्लानिंग नहीं है, और ये देखिए सारी बेसिक चीजें हैं। तो मेरे को लगता है कि इस किस्म से हम लोगों को काम करने की बिल्कुल बिल्कुल। त्रिलोचन जी, ये जो बात आ रही है कि आग लगी है 150 जगहों पर लगी है, कितनी संख्या हो सकती है, आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से माना जाता है कि अप्रैल महीने में गर्मी पड़ती है और सिलसिला जो है शुरू हो जाता है, तो इसमें जो प्रशासन की तैयारी है, जो वन विभाग की तैयारी है, क्या अगर वो तैयार रहे तो इसको रोका जा सकता है, या कहीं लग जाए तो उसको बीच में ही चेक किया सकता है, इस तरह कोई है तरीका, या चीजें जो है जो इंसान है या प्रशासन है उसकी कहिए तो पहुंच से बाहर है, वो कर ही नहीं सकता, चेक ही नहीं कर सकता, क्या है इसको लेकर आपका विचार? दरअसल वन विभाग का फायर सीजन ये मानते हैं 14 फरवरी से 14 जून तक, और पिछले साल सर्दियों में भी आग लगी थी। उसके बाद यहाँ के उस समय के वन मंत्री ने ये बयान दिया था कि पूरा साल हम फायर सीजन के रूप में तैयारी रखेंगे। तैयारी के रूप के नाम पे ये क्या करते हैं कि कुछ क्रू सेंटर्स बना देते हैं और बयान दे देते हैं बड़े, उससे पहले जो है एक इनका बड़ा वो प्लान रहता है कि इतने लोग भर्ती कर दिए, इतने क्रू सेंटर बना दिए, इतने मोबाइल वैन, इतनी ये, इतनी वो, इतनी वो, लेकिन जब आग लगती है तब कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आग लगने से पहले ये कहीं कहीं जंगलों के नजदीक के गांवों में कुछ लोगों को अवेयर करने के भी कुछ फोटो छपवाते हैं, पता नहीं वो प्रोग्राम तो हमने कभी देखे नहीं है, लेकिन इनके इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनके ट्विटर हैंडल पे जाओ तो वहां वो फोटो दिखती है कि हमने फलां गांव में ये तैयारी की है, लोगों को अवेयर किया है, लेकिन लोगों को अवेयर करने का कोई मामला मुझे अभी तक दिखा नहीं है। तो तैयारियों के दावे तो खूब होते हैं। पिछले साल इन्होंने ये किया था कि आग को डिजास्टर की कैटेगरी में रख दिया, लेकिन इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया कोई कुछ नहीं जानता, बल्कि कर्मचारियों की कई सारी पोस्ट जो फायरमैन हैं और इस तरह के कर्मचारी, बहुत सारी पोस्ट मेरी समझ से वन विभाग में खाली है। हर बार बात होती है कि इन पदों को भर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एन वक्त पे इनके सारे सामान कम पड़ जाते हैं, कभी कभी 2016 में और 2018 में हेलीकॉप्टर भी मंगवाए, वो भी सक्सेस नहीं हुए, सेना को भी उतारा जाता है, वो भी कुछ नहीं होता है, केवल एक ही भरोसा रहता है कि बारिश आएगी तो आग बुझेगी। इसके अलावा इनके पास कोई इस तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था इनकी है नहीं। जी विशाल, विशाल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी विशाल जी, जो बातें आ रही हैं, क्योंकि आप इस विषय के जानकार हैं, आग लगती है तो नुकसान होता है, नुकसान हम लोग बार बार कर रहे हैं कई पहलुओं पर होता है, इसको क्या चेक किया जा सकता है? मतलब ये वन विभाग अगर चाहे तो नियंत्रण स्थापित कर सकता है, आग ना लगे ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है, या चीजें जो है उसके नियंत्रण में नहीं है मान लिया जाए, और प्रकृति के भरोसे वही जो कह रहे हैं त्रिलोचन जी, बरसात होगी, बरसात ही रोक पाएगी और उसी पर हम लोगों को निर्भर रहना है, हमारी मजबूरी है, ये अंतर्विरोध क्या है? देखिए, मैं कुछ पहलुओं पे टच करना चाहूँगा जो पहले भी आप सभी लोग बात कर चुके हैं कि फायर या जो आग लगती है हमारे यहाँ, ये एक सीजनल इशू है। आज इस समय फायर की बातें सोशल मीडिया में हो रही होंगी या कभी मीडिया पिक कर लेगा, लेकिन ये इशू ऐसा नहीं है जैसे पहले भी कहा गया आप ही कुछ लोगों के द्वारा कि ये अप्रैल में या फरवरी में ही क्यों इसके बारे में बात शुरू होती है, एक ईयर राउंड प्लान क्यों नहीं बनाया जाता कि आप इसको आज, अगर हमें 2023 के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम क्या अगले, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। ये कभी भी एक बार मानसून की बारिश हो जाती है उसके बाद आग के बारे में चर्चा होनी बंद हो जाती है और वो फिर शुरू होता है जब कोई एक आग पे घटना होती है। दूसरा, इन्वायरमेंट
एज मतलब जो ये इशू है ये डेली डेली उसका इशू नहीं है, ये कुछ जैसे लोग हैं वो रोज शायद बात करते हो, वैसे ये संडे को बात की जाती है इसके बारे में, वीकडे में इसको अलग रखा जाता है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मतलब कोई कंसर्न है ही नहीं, जहाँ पे संवेदनशीलता की बात आ रही है तो कोई कंसर्न, चाहे आग हो, एयर पोल्यूशन हो, या आपका पानी की ग्लेशियर रिट्रीट हो, नदियां सूख रही हो, ये सब संडे के मुद्दे हैं, इसमें आराम से लोग बात करते हैं, जो और चीजें हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी ले लेती हैं। फिर मैं जो अनूप जी अभी बात कर रहे थे एरिया, डेफिनेटली एरिया इफेक्ट होता है, इंसिडेंट्स काफी होते हैं। लगभग जो हमारा एरिया करीब 2400 हेक्टेयर एरिया हर साल फायर से इफेक्ट होता है। अब जो हम इसका आंकड़ा देते हैं वो देते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, कि इतना इकोनॉमिक टर्म्स में हम सिर्फ टिम्बर की वैल्यू मतलब जो लकड़ी की वैल्यू है उसको देखते हैं और किसी चीज को हम इसमें मैं आवाज आ रही है? आ रही है प्लीज। तो हम और जो चीजें हैं जैसा अभी सर कह रहे थे, जैसे कुछ चीजें हैं अनसीन जिन जो हमें दिखती नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे जो बायोडायवर्सिटी आपकी सॉयल के अंदर है वो इससे इफेक्ट होती है, आपका पेड़ का जो रीजनरेशन है वो इससे इफेक्ट होता है, और जो कई और तरह की चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग हम उसके बारे में कंसर्न है जो दिख रहा है, लेकिन जो बायोडायवर्सिटी जंगल की आग की वजह से कम हो जाती है या खत्म हो जाती है वो एक बहुत बड़ा कारण है कई सारी और चीजों का। अब एक नेचर में एक पर्चा छपा था जैसे ही कोविड आया कि पैंडेमिक बढ़ेंगे क्योंकि हमारी बायोडायवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन करेगी। एक एक शोध के अनुसार काफी अच्छा, उसको मेरे ख्याल से सबको पढ़ना चाहिए, कि 1992 से लेके 2014 तक हर आदमी 40% अपना नेचुरल एसेट को खो चुका है। हमें आदत है अपने प्रोग्रेस दिखाने की जीडीपी के टर्म्स में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने बोल दिया या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हम उसके अगेंस्ट ये भी देखते हैं कि हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हुआ, उसके लॉसेस को हम इकोनॉमिक में लॉसेस में डालते हैं? जब आप कोई चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं इस बढ़त का कॉस्ट क्या है, तो क्या एनवायरमेंटल डेप्रिसिएशन जो होता है, जो हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है, पेड़ हमारे लिए हर इंसान के लिए एसेट है, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो या और तरह के उसमें हो, तो उसको हम कभी नहीं देखते हैं। तीसरी चीज कम्युनिटी, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, बहुत आराम से जब फायर सीजन खत्म होता है या होता है तो मैटर को डिफ्लेक्ट किया जाता है कि कम्युनिटी लगा रही है, लोग लगा रहे हैं, ये हो रहा है। आप ये भी तो सोचिए कि यही कम्युनिटी ने अपना शरीर कुल्हाड़ी के आगे लगाया चिपको आंदोलन में, यही कम्युनिटी कई बार खड़ी हुई और आंदोलनों में जो कंजर्वेशन के लिए थे। इस समय क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 20-30 सालों में आपके सिलसिले बढ़ चुके हैं? आप पॉलिसीज देखिए, आप 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखिए, आप 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखिए या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट देखिए, उसमें कहीं भी कम्युनिटी का रोल कॉस्मेटिक से ज्यादा नहीं है। आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कम्युनिटी को हटा दें कंप्लीटली जंगलों से, जो डिपेंडेंट रही है हजारों सालों से, वो उसको कंजर्व करेगी? भाई आप उनको उसके बगल में हैं लेकिन उनका उनका कोई उस पर डिस्ट्रैक्ट मतलब एक जिसे कहते हैं डिटैचमेंट हो चुका है जंगलों की तरफ, डिटैचमेंट। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आज मैं सुबह एक किसी बहुत किसी साइंटिस्ट के साथ बैठा था जिन्होंने काफी इस मुद्दे पे काम किया है। उन टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि आप 24 घंटे पहले बता सकते हैं कि ये एरिया में आग लगने वाली है या ये एरिया प्रोन हो गया है।
और एसएमएस के थ्रू रेंज ऑफिसर्स को इंडिकेट कर दिया जाता है कि आप ये इन एरियाज को देखें। इस तरह का मतलब हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको इंसिडेंट के बारे में बता सकती है, टेक्नोलॉजी आग बुझा नहीं सकती है। हेलीकॉप्टर कभी काम नहीं आएगा। यहाँ पे तो ये भी बात हुई कि क्लाउड में हम सीडिंग कर देंगे तो पानी बरस जाएगा, तो आप क्लाउड को तो सीड कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड अगर खिसक के देहरादून में आग बुझानी है, खिसक के डोईवाला चला गया, वो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना आप। तो मतलब इस तरह की बातें होती हैं जो मतलब कभी कभार हंसने पे मजबूर करती हैं कि किस तरह का ये लोग लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपको कम्युनिटी को तो साथ लाना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म हो, कैंपा का पैसा है, कई और तरह से आप वो कर सकते हैं। लोग कहते हैं चारे के लिए जलाते हैं, भाई लाइफ स्टॉक जो बकरी गाय तो पहाड़ पे हर घर में एक आध होती है, जब चारा नहीं होगा या उनको, मैंने अपने लेख में भी ये लिखा था कि उत्तराखंड ही शायद एक ऐसा रीजन है जहां पे महिला को अभी भी पेड़ पे चढ़ना पड़ता है चारा लेने के लिए। तो आप डेवलपमेंट को उससे उस एंगल से भी देखें ना, आप जीडीपी से ना देखें, आप डेवलपमेंट को ये भी देखें कि आज महिला अभी भी पेड़ पे चढ़ रही है चारा लेने के लिए, तो ये कैसा डेवलपमेंट हुआ। पहाड़ों में डेवलपमेंट की बात की थी, उत्तराखंड स्टेट इसीलिए बनाया गया था कि हम कोने कोने पर डेवलपमेंट करेंगे, वेयर इज द डेवलपमेंट। जी जी विशाल जी, हाँ थोड़ा सा रुकेंगे आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है विशाल जी ने कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट का, उनकी भागीदारी और भूमिका का, और बताया इन्होंने कि जो अभी तक कानून बने हैं राज्यों के जो वन विभाग से जुड़े हुए या सेंटर के वन विभाग से जुड़े हुए, उसमें कम्युनिटी की कोई भूमिका ही नहीं है, जिसको आप कह रहे थे और अपने तरीके से कहिए तो उत्तराखंड जितना संवेदनशील राज्य, अपने वहाँ की जनता जो है कहिए तो पूरा वनों पर ही निर्भर है, उसी से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के जीवन का हिस्सा होते हैं, और उसमें अगर कोई सरकार का अपना कोई मॉडल बन रहा है उसमें जनता कोई भूमिका नहीं है, तो ये कैसे मतलब आप कह सकते हैं कि कोई कानून आप लागू कर ही नहीं सकते। इस लिहाज अगर पूछे जयसिंह रावत साहब आपसे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है और वो कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए बिना जनता के लिए, क्योंकि दिस इज बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी है आपका, यही नहीं कोई भी कार्यक्रम भी आप करें, कोई स्कीम भी करेंगे, बिना पीपल्स पार्टिसिपेशन के वो सफल नहीं होता है। और जंगल क्यों नहीं हो रहा है, अब क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए ये 4 साल का एक साइकिल बना हुआ है, 4 साल में फिर बढ़ जाती है, क्योंकि इसलिए बढ़ता है वो बायोमास जो होता है जमा होता रहता है, थोड़ा भी आग लगी तो भड़क जाती है, ये साइकिल है यहाँ उत्तराखंड में 4 साल का। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब मैंने अपने बचपन में देखा कि जब जंगल में आग लगती थी पेट्रोल दूर से आवाज देता था, चलो 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 जंगल में आग लगी, सारे लोग जाते थे और बुझा कर ही घर आते थे। लेकिन आज जंगलों पर, पर्यावरण पर कानून के ताले लगे हुए हैं, जब जो जंगल लोगों के अपने होते थे, कम्युनिटी के होते थे, क्योंकि जंगल और जो आप ये जानते हैं 71% जो है आबादी जो है जंगलों पर निर्भर है उत्तराखंड की, मतलब इतने जंगल हैं तो ज्यादातर आबादी या तो जंगलों के अंदर है या जंगलों के आसपास है, तो जंगल से उनका जीवन एकदम जुड़ा हुआ है, उसको आपने अलग कर दिया। जंगल सरकारी हो गए, फॉरेस्टर हो गए, पेट्रोल के हो गए, डीएफओ साहब के हो गए, डीएफओ साहब आके उसमें देहरादून बैठ गए, हल्द्वानी बैठ गए, नैनीताल बैठ गए, एयर कंडीशन बैठ गए, यहाँ हो रहा है, तीन तीन चार चार आपके प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हो जाएंगे, पेट्रोल नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भी कई साल लग गए थे, विवाद हो गया था, आप समझिए ये स्थिति है। तो असली जंगल कौन बचाएगा, गांव का आदमी बचाएगा, और जंगल में तस्करी हो रही है तो कौन देखता है उसको, गांव का आदमी को पता है, किसी ने शरारत से अगर आग लगा दी कौन देखता है, गांव का आदमी देखता है। अभी विशाल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो 90% या 99% जो है मानव जनित है, भाई पहले तो इंसान ने आग कहां से देखी, तभी तो देखी जब पाषाण युग में रहा होगा, कि जो आपस में पत्थर टकराए होंगे उनसे चिंगारी निकली होगी, कहीं जला होगा, आग पैदा हुई होगी, वो तो प्राकृतिक तरीका है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 99% या 90% जो मानव जनित है उसके कई कारण है,
उसके एक कारण तो यह है कि चार लापरवाही से भी होती है। एक मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने कहा कि एक जंगली जीव नहीं मरा, लेकिन कितना प्लांटेशन जल गए बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि वो प्लांटेशन ही असली खेल है। उनमें हो कि जंगल में किसने देखा कितना प्लांटेशन हुआ और उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, वो जल गए तो कल कहने के लिए हो जाएगा ठीक भाई हमने लगाए थे पेड़ वो जल चुके। एक तो खेल ये है, सबसे बड़ा खेल ये है। दूसरा ये है कि गांव में कुछ शरारती तत्व तो हैं, लगा देते हैं। दूसरा गांव के बीच से लोग चलते हैं, सड़कें हैं, पीडीपी फेंक दिया, लापरवाही से भी होता है। कुछ मैंने कहा कि जो बायोमास है जमा हो जाता है उसमें जो हरी घास नहीं उगती है, तो कई लोग गांव वाले आग जला के उसके बाद हरी घास बहुत अच्छी जलती निकलती है, तो उसके लिए भी कई लोग करते हैं। तो ये कई कारण है, इनके लिए आम आदमी को जो समझाया जाए, जो इनकी फॉरेस्ट कमिटी जैसे वन पंचायत है, मेरा सुझाव ये है कि जैसे ये त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम जो शुरू हो गया है उसमें ग्राम पंचायत जो होती है उसमें 6 समितियां होती है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, निर्माण की है, उसमें एक वन समिति भी होनी चाहिए और वन समिति को ये सारी ऑब्जर्वेशन की निगरानी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वन समिति कर देगी, उनको इंसेंटिव भी तो मिले ना, जो सारा पैसा ग्राम समाज को मिले वो पैसा उसका, जैसे टोंगिया भी होता ना इधर इसमें सिबालिक्स में है, टोंगिया में क्या करते हैं कि फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा उनको दे दिया भाई तुम इसे खाओ कमाओ जो करना, लेकिन यहाँ की रक्षा आपने करनी है। तो आम आदमी को वहां से पलायन हो रहा है, उसको आम आदमी की जो आर्थिकी को है अगर फॉरेस्ट से जोड़ा जाएगा तभी तो लोग उसके साथ होंगे, उनको वहां से इंटरेस्ट होगा, वो जंगल बचाएंगे, कहेंगे ये हिस्सा आपका है आपने ये बचाना, वो बचा देंगे, वो स्थिति है। दूसरा संवेदनशीलता का बता रहे थे अभी अनूप साहब ने बताया, भाई दिल्ली में पुराली जलती है तो सारे देश में हाहाकार मच जाता है पुराली जलने से, हिमालय जल रहा है, हिमालय अभी अनूप कह रहे थे हीट वेव्स आ गई, अरे अभी तो हीट वेव्स आ रही, यहाँ तो फरवरी में बाढ़ आ रही है हिमालय पर, फरवरी में बाढ़ आ रही है विशाल, ज्यादा बेहतर ढंग से उसके बताएंगे कि ये तो बिल्कुल जब जब पानी जम जाता है भाई बाढ़ कब आती है, बरसात में आती है, जाड़ों में तो पानी नहीं होता, जो पानी होता है वो जम जाता है, वो भी हिमालय पर, बिल्कुल धौली नदी में, ऋषि गंगा में, वहां बाढ़ आ रही, इसका मतलब ये संकेत क्या है, ये अनिष्ट के संकेत हैं। हिमालय के साथ जो अनावश्यक जो छेड़छाड़ हो रही है और हिमालय के देख रेख नहीं हो रही है, वो ब्लैक कार्बन की वजह से कितना असर करेगा उसको, ये हिमालय पर जो ऊपर जा रही है जब वो वनस्पतियां खिसक रही है ऊपर की तरफ, इसका मतलब अगर ग्लेशियर रिसीट करेगा तो वेजिटेशन ऊपर जाएगी ना, ट्री लाइन ऊपर जाएगी ना, ये सारी चीजें होंगी तो सारा होगा, सारा मानव, ये समझिए कि हिमालय इकोसिस्टम तो क्या मौसम होगा, क्या गंगा ये जो गंगा का मैदान है उसकी क्या स्थिति होगी, क्या एशिया का मौसम का होगा, बहुत सारी गंभीर बातें हम वो समझने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल एकदम, आप दांव का उत्तराखंड बनता जा रहा। अनूप जी संक्षेप में, क्योंकि आखिरी दौर में हम लोग हैं, ये जो बातें कही है जयसिंह राव साहब ने, कुछ सुझाव इन्होंने दिया पंचायतों के स्तर पर वन पंचायत बनाई जाए और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कराया जाए, लेकिन सरकार है उस दिशा में सोच ही नहीं रही, उसकी चिंता का विषय ही नहीं, उसको कुछ खाना पूर्ति कर लेनी है अगर कोई इस तरह की आपदा आती है, कोई संकट आता है तो ऐसे में रास्ता क्या बनता है, क्या बचता है, किस तरफ देखा जाए। महेंद्र जी हमें करीबन जो भी 35-40 मिनट हो गए बात करते हुए, जैसे आपने कहा आखिरी पड़ाव पर है, तो हम कुछ समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस पूरे निराशा भरे और जंगलों में लगती हुई आग के माहौल में मैं असल में आपके दर्शकों के साथ में और आपके साथ में एक प्रेरणादायक उदाहरण भी साझा करना चाहूंगा जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का है। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि आज 29 तारीख है, असल में 26 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपी कि अल्मोड़ा जिले में शीतला खेत और स्याही देवी इलाका है, वहां पर लगभग 7,000 हेक्टेयर जंगल उस क्षेत्रफल में आता है और उस क्षेत्र में वर्तमान में भी कम्युनिटी और वन विभाग के सहयोग के कारण कोई बड़ी आग नहीं लगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसा मैंने कहा, इस निराशा वाले माहौल में
एक बड़ा प्रेरणादायक उदाहरण हमारे सामने कम्युनिटी एंगेजमेंट का है, सिटीजन एंगेजमेंट का है, लोगों की जन सहभागिता का है। और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि लोग अपने वनों से दूर हो गए हैं, उनके हक हकूक उनके साथ में नहीं है, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन वर्तमान की परिस्थितियों में भी हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं। अब आगे क्या हुआ आप सुनिए, बड़ी मजेदार बात। अब मैंने पढ़ा, भाई पढ़ते हैं बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, मैंने उसको लेके ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट अब वो चल पड़ा, काफी चला। लबोलबाब बात का यह है कि शीतला खेत के रहने वाले लोगों ने मुझसे संपर्क कर लिया है। अब ये देखिए सोशल मीडिया की खूबी। और मैं उनके उन्होंने उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जंगल के दोस्त, मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन चुका हूं, मैं उनके समुदाय का हिस्सा बन चुका हूं। ये सब हमारे ग्रामीण भाई और बहनें, उन्होंने मेरे से बड़ी लंबी बात करी। उन्होंने जो मेरे साथ में अपनी बातें और अपने अनुभव साझा किए, मेरा ख्याल 27 तारीख की बात है ये, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ये जान करके कि सुन करके। और जय सिंह सर हैं, विशाल हैं, भटजी हैं हमारे साथ में, त्रिलोचन जी, हम सबको ठीक है ऐसी है, लेकिन ऐसे भी इक्का दुक्का केस स्टडीज हैं, उदाहरण हैं। और ऐसा नहीं कि वहां पे जंगलों में आग नहीं लग रही है। और क्योंकि मैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा हूं, अब आप ये देखिए रात के 10 बजे की फोटो है जो जंगलों में आग लगी हुई है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग आपस में ये डाल रहे हैं, और रात में जो है 12:34 का मैं मैसेज यहां पर पढ़ रहा हूं, फिलहाल आग नियंत्रित कर ली गई है, कल सुबह फिर फायर लाइन चेक करनी होगी, देर रात तक आग बुझाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जंगल के दोस्तों को धन्यवाद आभार। तो ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड में मानवता और संवेदना पूरी मर चुकी है। मुझे लगता है कि हम लोगों को जनचौक के इस माध्यम से इस किस्म के भी प्रयोगों को और प्रयासों की सराहना करने की आवश्यकता है। एक तो देखिए महेंद्र जी ये बात हो गई, दूसरी बात ये है कि अब ये तो देखिए फिर से बड़ी सामान्य बात है कि भाई अगर शीतला खेत और स्याही देवी के लोग ऐसा कर सकते हैं, और उनका जब मेरी उनसे बात हुई उन्होंने मुझे कहा कि हम 2003-2004 से ये वाली काम कर रहे हैं, वो पिछले 17-18 साल से कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनके जंगलों में आग नहीं लगती। लेकिन उन्होंने आपका एक सवाल भी था त्रिलोचन जी से कि क्या जंगल की आग बुझ जाएगी, देखिए जीरो तो कुछ नहीं होता है, हमें चीजों को मिनिमाइज करना है, हम उसको जीरो तो नहीं कर सकते, पता है हमको, ऐसा थोड़ी कि अभी 2000 हेक्टेयर चलता है तो हम जीरो पे आ जाएंगे। लेकिन हमारे ये प्रयास होने चाहिए कि अपनी मेहनत से, अपनी प्लानिंग से, अपनी संवेदना से, तमाम इन चीजों से उसको हम मिनिमाइज करें, कम करने की कोशिश करें। तो इस किस्म के अगर वो लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पूरे राज्य को इस किस्म के उदाहरणों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, उन्हें सेंट्रल स्टेज पर लाने की आवश्यकता है। इस किस्म के जो क्लाइमेट वॉरियर्स हैं महेंद्र जी, अब एक बात होती है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, हम लोकलाइजिंग क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, इन बड़ी बड़ी जार्गन में ना जाते हुए हम इस किस्म के लोगों को अपना ढूंढने की कोशिश करें। उत्तराखंड के 13 जिले 95 विकासखंड में ऐसे कौन साधारण लोग हैं जो कि अपनी जंगलों की रक्षा, पानी की रक्षा, तमाम इस किस्म के काम कर रहे हैं। हमें इन एग्जाम्पल्स को एम्पलीफाई करने की, उसे पब्लिक डोमेन में लाने की आवश्यकता। तो मैं एक इसको उदाहरण देना चाहता था, मुझे पता है कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन आपके दर्शकों में एक दूसरी बात, आखिरी बात साझा करना चाहूंगा संक्षेप में, क्योंकि उसको भी लेके बात उठी है, मूल्यांकन को लेकर के। पिछले साल भी हमने इस बात को उठाया था, उत्तराखंड के जंगलों में आग जब लगती है, हमारा वन विभाग अभी भी एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ में, पुराने अंग्रेजों के जमाने के माइंडसेट के साथ में, अभी भी प्रति हेक्टेयर के 2500 से 3000 रुपए उसका एक मूल्यांकन करता है। अब मुझे लगता है देखिए ये तो मजाक है, ये 3000 रुपए क्या होता है, 3000 रुपए आज हम 5 आदमी खाना खाने जाएंगे तो हमारा 3000 से जगह शायद ज्यादा बिल आ जाएगा अगर हम थोड़े ठीक ठाक रेस्टोरेंट में चले गए। और बताइए हमने कहा 10,000 स्क्वायर मीटर, 12,000 गज, 15 बीघा, तो 15 बीघा जमीन में जब जंगल में आग लग रही है जो बेशकीमती आग है उसका मूल्यांकन 3000 रुपए कर रहे हैं। तो खैर हमारा ये नहीं कि आप मूल्यांकन बढ़ा दीजिए, और जंगलों अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि जंगलों में आग कम लगे, लेकिन साथ ही में जो उसका मूल्यांकन है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, आप आखिरी तौर पर त्रिलोचन जी अपना अनम्यूट कर लीजिए, वो जो है जी। त्रिलोचन जी आप हमेशा देखते हैं कि किसी मामले में अगुवाई करते हैं, कल जब वहां देहरादून में जो है जंगल काटे जा रहे थे तो आप लोगों ने जो है सड़क पे उतर करके मोर्चा लिया, उसका नतीजा भी निकला, लोग गोलबंद हुए। लोहारी गांव में जब पूरा गांव डूब गया, विस्थापित लोग जो है सड़क पर रहने के लिए मजबूर हुए, तो आपने वहां मोर्चा संभाला। ये आग लगी हुई है और इसमें स्वतः स्फूर्त ढंग से कुछ जो पहले हुई है जैसा कि अनूप नौटियाल साहब ने बताया, और इसके और बड़े स्तर पर
आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कोई दूसरी ऐसी पहल जो प्रशासन पर दबाव बनाए, वन विभाग पर दबाव बनाए और वो सक्रिय हो और लोगों को शामिल करके जंगल को बुझाए, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? दरअसल यहाँ पे भी जैसे देहरादून में ही कुछ पर्यावरणवादी संगठन हैं और वो लगातार आवाज उठाते भी रहे हैं। अब जंगलों को काटने का ही मामला था तो सड़कों पे उतरे, खूब कई बार प्रदर्शन भी किए, लेकिन दरअसल क्या है कि आवाज अनसुनी कर दी जाती है। सरकार सुन रही है, खूब सुन रही है, यही जंगलों के मामले में हुआ, यही लाहौर लोहारी के मामले में हुआ, बाकी सब मामलों में भी यही हो रहा है। सरकार एक जिद्दी पर, वो जिद पे अड़ जाती है कि नहीं ये तो होना ही है। जंगलों की आग के मामले में मुझे लगता है कि गांवों में आप जाओ तो छोटे छोटे ग्रुप हैं, यहाँ जैसे अभी अनुप जी कह रहे थे मेरे गांव के पास भी कल रात आग लगी तो लोगों ने जाके वो आग बुझाई, हालांकि छोटी आग थी तो कंट्रोल में आ गई, बड़ी आग होती तो वो गांव वाले नहीं कर पाते उतना। तो इसमें यह है कि वन विभाग को जो है लोगों को इंगेज तो करना ही पड़ेगा अपने साथ, जैसे कि वो दावा करते हैं हर बार, कहते हैं 15 फरवरी से पहले हम लोगों से लोगों को अवेयर करते हैं, तो इस यहाँ उन्हें शुरुआत तो करनी होगी, लोगों के बीच में जाना होगा, केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, केवल फोटो लगवाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में लोगों के बीच जाके लोगों को बताना होगा और तभी जाके इस आग पे आने वाले सालों में कुछ कंट्रोल, जैसे कि अनुप जी कह रहे हैं कि वो तो एकदम खत्म तो हो नहीं सकता लेकिन कम से कम कुछ कम तो हो। अब पिछले सालों के हम आंकड़े देखें तो 2018 में मेरे समझ से अब तक की सबसे बड़ी आग लगी थी, उससे पहले कहा जा रहा 2016 में सबसे बड़ी आग लगी, 2020 में जरूर कुछ कम लगी थी, 175 घटनाएं हुई थी, और आज ही भाई साहब अभी रावत जी बता रहे थे कितनी घटनाएं हुई हैं, 1736 के आसपास। तो सुबह वो घटनाएं जब मैं देख रहा था सुबह 1600 से कुछ कम थी, 1592 1598 ऐसे कुछ थी, और हर पल उसमें बढ़ता जा रहा है, यानी कि आज के दिन में मेरे समझ से रात तक 200 से ज्यादा घटनाएं, नई घटनाएं, पुरानी जो आग लगी हुई है वो तो है ही, वो कहीं बुझी ज्यादातर नहीं बुझी, नई घटनाएं आज के दिन में 200 से ज्यादा हुई है। तो कुल मिला के वन विभाग को इसमें शुरुआत करनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है लोगों के मन में जंगलों के प्रति दर्द नहीं है, है और लोग तैयार भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोई तो पहल करे और इसके लिए वन विभाग को ही सबसे पहले पहल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस बातचीत में जो आग के सिलसिले में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, सबसे बड़ा सुझाव तो यही मुझे लगता है कि अभी तक के जो कानून बने हैं उसमें सामुदायिक भागीदारी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लिहाजा सरकार को इस फ्रंट पे सोचना चाहिए। लोग संवेदनशील है लेकिन उनको खड़ा किया जाना, उनको प्रेरित करना, ये जो सरकार की जिम्मेदारी है वो शायद वन विभाग नहीं कर रहा है और खाना पूर्ति के स्तर पे ही चीजों को देख रहा है। इसके अलावा और जो दूसरी बातें जो हमारे तमाम जो है साथियों ने सुझाया, जंगल के दोस्त के तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और उसमें लोग जो है काम कर रहे हैं, इस तरह के जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, दौर आ गया है, तो कैसे पूरे लोग ही जुड़ करके एक दूसरे के साथ खड़े हों और इस तरह कोई आपदा कोई संकट कहीं आए तो मिल करके उससे निपट लिया जाए, ये तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन आप लोग इस कार्यक्रम में कह सकते हैं, विशाल जी, अनूप जी, रावत साहब और त्रिलोचन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, महत्वपूर्ण सुझाव आए हुए हैं और हमको लगता है ये सरकार के लिए भी हैं और जनता के लिए भी हैं, दोनों अपने अपने स्तर पर सोचें और इस दिशा में अगर हम लोग प्रयास करें तो मामले को हल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि चीजें अपने नियंत्रण के बाहर हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में आए और अपने सुझाव दिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनचौ की तरफ से खास करके उत्तराखंड हम लोग के केंद्रीकरण का हिस्सा है और इसलिए फिर अगर कोई मुद्दा बनता है इस तरह का तो उसमें फिर एक बार आपको आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।